नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजे टीवी इंडिया। आज आगरा शहर में आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं उनकी पार्टी के ये पदाधिकारी। जिस प्रकार आगरा शहर में एक गरीब परिवार के व्यक्ति की थाने में हत्या कर दी गई चोरी का इल्ज़ाम लगाकर, उसी विषय पर उस पीड़ित परिवार से मिलने चंद्रशेखर आज़ाद आज आगरा में आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं उनके और चंद्रशेखर आज़ाद जी आ चुके हैं आगरा शहर में। सभी उनके पदाधिकारी ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है, उनको सुरक्षित भी रखना पड़ता है और आगे भी बढ़ना पड़ता है। आप देख सकते हैं उनके पदाधिकारी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने साथ ले लिया है, जिससे कि उनको भी खतरा ना। और यदि चंद्रशेखर आज़ाद जी का काफिला आगे बढ़ने लगा है, यह पीड़ित परिवार के घर पर पहुंच चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। उनकी माता जी से वार्तालाप करते हुए, जानकारी प्राप्त करते हुए किस प्रकार उनके साथ ये घटना घटित हुई, उनके भाई माता वगैरह बैठी हुई हैं और उनको सांत्वना भी दे रहे हैं चंद्रशेखर भाई। और इस प्रकार अंदर बातचीत चल रही है, भीड़ अधिक होने के कारण सभी लोग बाहर हैं और अब मिलके वो बाहर चल चुके हैं। आप देख सकते हैं चंद्रशेखर भाई जब किसी पीड़ित के पास आते हैं तो उनको उम्मीदें जाग जाती हैं। चंद्रशेखर भाई से बहुत ही उम्मीद हैं और ये जो आगरा के समाज से भी हैं उनसे वार्तालाप करते हुए चंद्रशेखर भाई और चंद्रशेखर आज़ाद जी से लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। जहाँ पर जाते हैं तो उनको लगता है कि इंसाफ मिलेगा पीड़ितों को। ये आगरा के समाज से भी हैं जिनके साथ उनकी वार्तालाप हो रही है। और चंद्रशेखर भाई का साथ देने के लिए सभी समाजसेवी युवा उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं सभी चंद्रशेखर भाई को साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं। भारत देश की राजनीति में एक उभरता हुआ एक सूरज है चंद्रशेखर भाई। ये प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ी जी हैं जिनके साथ जिलाध्यक्ष भी हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी काशीराम भाई चंद्रशेखर आजाद जी आगरा में आगमन हुआ और अरुण वाल्मीकि जी की जो हत्या पुलिस ने की थी उसके संबंध में भाई आज उस परिवार से मिले और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता भाई के साथ आगमन पर स्वागत किया और अभी हमने टॉर से भाई को विदा किया है और भाई ने ये संकल्प लिया है कि मैं इस परिवार को, दलित परिवार को न्याय दिला के रहूँगा। ये आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आज आगरा में आए, जो हमारे बहुजन समाज के जो हमारे भाई हैं वाल्मीकि समाज के,
अरुण वाल्मीकि, उनका पुलिस कस्टडी में और पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। ऐसे विषय में तत्काल प्रभाव से भाई संज्ञान लेते हैं। पूरे देश में जहाँ भी बहुजन समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ, माँ के साथ जब अत्याचार होता है, हत्याएं होती हैं, बलात्कार होता है, लूट की घटना होती है, तो हमारे राष्ट्रीय नेता तत्काल वहाँ पहुँचते हैं और उस घटना का संज्ञान लेते हैं और वहाँ न्याय दिलाने के लिए पूरा संघर्ष करते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय नेता आए और हमारे जो भाई है अरुण वाल्मीकि, जो पुलिस की कस्टडी में हत्या कर दी गई है, उनके घर पर पहुँचे, उनके परिवारजनों को हालचाल लिया, उनको सांत्वना दी और उनको पूरा न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम अपने भाई की जिस तरीके से जो हत्या कर दी गई है, उसका हम पुलिस प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि उसमें न्याय किया जाए। और आज की स्थिति सरकार की बहुत ही निंदनीय है। हम इस बार की पुरजोर निंदा करते हैं। सरकार में बैठे हुए लोग अपराधी हैं। पुलिस के गुंडे, पुलिस द्वारा जिस तरीके से ये हमारे बहुजन समाज के दलित भाइयों, मजदूर भाइयों के साथ, किसान भाइयों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, आज़ाद समाज पार्टी उसका घोर विरोध करती है, उसकी निंदा करती है और हम उन भाइयों के साथ मिलकर के और संघर्ष करके उनको न्याय दिलाएंगे। ये हमारा पूरा प्रयास है। जय भीम। आज जो भाई चंद्रशेखर आजाद जो आगरा में आए जी, और जो हमारे गरीब लोगों का अत्याचार हो रहे हैं जी, क्या कहना है आपका? देखिए भाई, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पीछे भी जो है अपने दलित समाज की और बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंदी से उठाते आए हैं। जैसा कि हाथरस में मनीषा कांड हुआ, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी उस केस में अभी तक लगे हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले भी वहाँ होकर आए हैं। लेकिन सरकार जो है दोहरी नीति अपना रही है। ये सरकार जो केंद्र और प्रदेश में सरकार है वो दोहरी नीति अपना रही है, क्योंकि जब कोई ब्राह्मण मतलब कत्ल होता है या किसी गुप्ता का कत्ल होता है तो वहाँ 40 लाख रुपये और एक OSD की नौकरी दी जाती है। लेकिन वहीं अगर कोई दलित समाज का कोई व्यक्ति उसका कत्ल थाने के अंदर हुआ तो इस सरकार ने 10 लाख रुपए और एक सफाई कर्मचारी की नौकरी। तो मतलब ये सरकार जो क्या दिखाना चाहती है, दलित विरोधी सरकार है या फिर जो हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए हमारा दलित समाज है उस चोले को केवल वोट के लिए हम लोग हिंदू हो जाते हैं? तो ये हम लोगों को समझ, हमारे जो लोग हैं ना दलित समाज, उन्हें समझ नहीं पड़ेगी कि आप केवल वोट के लिए हिंदू हो, ना कि आप सरकार के लिए। आज जब भाई अरुण की जब हत्या हुई, पेपर में, मीडिया में, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केवल ये कहा गया कि एक सफाई कर्मचारी की मृत्यु हुई, किसी भी मीडिया ने ये नहीं कहा कि एक हिंदू भाई की मृत्यु हुई। लेकिन जब चुनाव आने वाला है तो सब हिंदू हो जाएंगे, सब हिंदुत्व के नाम में वोट देंगे। तो ये समझना होगा, ये सरकार की दोहरी नीति समझनी होगी। और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने बोल दिया है कि 5 दिन का समय है प्रशासन के पास, या तो उन दोषियों को सजा दे और परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा और विधवा को पेंशन और एक आवास और एक सरकारी नौकरी दे, वरना 28 तारीख को इस आगरा में पूरा बहुजन समाज, पूरे देश का बहुजन समाज इकट्ठा होगा और आगरा की सरजमी पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो कहते हैं वो करते हैं और हम लोग भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे और आगरा में कल से ही जुट जाएंगे इस प्रचार प्रसार के लिए कि 28 तारीख को पूरा बहुजन समाज, ST SC OBC माइनॉरिटी को इकट्ठा करना है और इस शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को, जो कि सत्ता में बैठे हुए लोगों की दलाली कर रहे हैं, उन लोगों को सोचना पड़ेगा और सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, जो OBC के ऊपर अत्याचार चल रहा है, जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार ये सरकार कर रही है, 2022 में इसका दी एंड क्लियर है। और 28 तारीख को इस आगरा की सरजमी से इस देश के लिए एक मैसेज जाएगा। उससे पहले मैं प्रशासन से फिर चेताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आगरा की सरजमी से ऐसा कोई मैसेज ना जाए कि पूरे देश में इस सत्ता में बैठे हुए जो मनुवादी लोग हैं उनकी दिशा खराब हो, तो 27 तारीख से पहले जो मांगे उस समाज ने, उस समाज के लोगों ने और उस परिवार ने रखी है, उन मांगों को मान करके जो मामला है उसको शॉर्ट आउट करें, अन्यथा 28 तारीख को आगरा में चक्का जाम होगा। जय भीम। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।